झोलाछाप डॉक्टर की वजह से जच्चा बच्चा की मौत, अस्पताल किया सील। राजपुरा थाना क्षेत्र के गांव सिंगोली पूर्वी में झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बता दें कि बीते दिन महिला अपने परिवार के साथ नगर पंचायत गबा के हॉस्पिटल में प्रसव कराने गई थी। वहां अवैध तरीके से चल रहे क्लिनिक वाले झोलाछाप डॉक्टर ने महिला का बिना बताए ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ती चली गई। उसके बाद मौजूद क्लिनिक में डॉक्टर व उसके सहयोगियों ने आनन फानन में अपनी गाड़ी में महिला को लेटाकर दूसरी जगह ले जाने लगे। बता दें कि परिजन महिला को बाहर गाड़ी में ले जाने की भी वजह नहीं समझ पाए। उसके बाद में पता चला कि महिला की गलत तरीके से ऑपरेशन करने से मौत हो गई है। जब तक महिला के परिवार वाले उनके बारे में कुछ समझ पाते, उससे पहले ही डॉक्टर और उसके सहयोगी की वजह से जच्चा बच्चा की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि गवा में रीना हॉस्पिटल नाम से क्लिनिक चल रहा था। इसके अलावा गवा में और भी अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, जिसको लेकर शनिवार को नोडल अधिकारी ब्रास यादव ने गवा में पहुंचकर रीना हॉस्पिटल समेत 3 हॉस्पिटल को सीज कर दिया। वहीं उन्होंने बताया कि अगर सील तोड़ने जैसी किसी ने हरकत की तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन अवैध हॉस्पिटलों को कौन चलवा रहा था, आए दिन हो रही मौतों को लेकर कौन गुमराह कर रहा है। हालांकि इस मामले में मृतक परिजन ने जच्चा बच्चा का अंतिम संस्कार करवा दिया है और इस मामले को लेकर मृतका के पति ने राजपुरा पुलिस को तहरीर दी है। गांव वालों ने बताया कि आए दिन ऐसे ही मौतों का मामला डॉक्टरों की वजह से होता रहता है, लेकिन ऐसे अवैध क्लिनिक वालों पर ना तो कोई ढंग से कार्यवाही होती है और ना ही पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल पाता है। एक मामला आया, एक महिला की मृत्यु हो गई थी, क्या था पूरा मामला? मामला एक महिला की मौत का है जो प्रसव के लिए तैयार थी, जिसको दर्द होने पर गवा रीना हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में ले जाया गया, जहां भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने इनको गारंटी दी कि भाई हम इसको नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे, लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें बिना बताए, जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो इनको बिना बताए उसका पेट चीर दिया। सुनने में यह आया कि डॉक्टर नहीं थे, कंपाउंडरों के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है। महिलाओं को कोई जानकारी नहीं दी गई, इनके परिजनों को कोई सूचना नहीं दी गई। जब महिला की क्रिटिकल कंडीशन हो गई तो उसको डॉक्टर अपने या कंपाउंडर जो भी लोग थे अपनी प्राइवेट गाड़ी से हसनपुर के लिए लेकर के चले गए। इन लोगों को सूचना दी, ये लोग भी पीछे से पहुँचे। इन्हें बाद में पता चला कि इनकी महिला की मौत हो चुकी है। ये घटना कब की है, कौन से दिन की है? कल शाम की ये घटना है। कल शाम करीब 12 बजे करीब रात्रि में ये लोग लेके गए थे। तो अभी इसके बारे में किसी को सूचना दी पुलिस को? अभी तक सूचना दी है पुलिस को? कोई अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। गत अभी हम लोग गंगा से गत करके आ रहे हैं, अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। अक्रूर डॉक्टरों के साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कैसे निर्दयी, क्या किया उन्होंने? जैसे यहाँ से बिना कहे सुने, परिवार जनों के बिना कहे सुने, और वो डॉक्टर उन महिला को लेकर के गया जो अचेत अवस्था में थी, बिना मर्जी के उन्होंने, बिना मर्जी के लेकर गए। और उसने ये देखा इसकी मौत होनी है, मैं अपने सेंटर से निकालूं इसे, अपने हॉस्पिटल से इसे निकाल दूं, मैं छूट जाऊंगा। और उधर जब उस महिला की मौत जब हो गई, जच्चा की भी मौत हो गई, बच्चा की भी मौत हो गई, तो ऐसा निर्दयी डॉक्टर उन्हें एम्बुलेंस करा करके उसमें गाड़ी में रखवा कर एम्बुलेंस में, और अपना खुद की गाड़ी से फरार होकर के चला गया। वो परिवारजनों के साथ तक भी नहीं आया। अब तक कोई संपर्क किया डॉक्टर ने? कोई संपर्क नहीं किया अभी तक। जी डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य विभाग की ओर से गवाह में काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, थोड़ा जानकारी देना चाहिए। हमें 2 दिन पहले शिकायत मिली थी कि एक रीना नर्सिंग होम में, जैसे आप देख रहे हैं, उस पर एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। और पहले भी 24 अगस्त को पिछले इस पर मुकदमा दर्ज था, उसके बाद भी इसने अपनी सील तोड़ के गलत तरीके से इसने अपना प्रैक्टिस करा था। आज हमने उसको सील कर दिया है। उसके साथ साथ सीमा मेमोरियल पड़ता है आपके हरी बाबा बांध रोड पर, हमने उसको भी सील किया है। साथ में एक हमारा बच्चा है, बच्चा केंद्र है, हमने 3 सील किए हैं आज। आप जैसे ये सील किया गया डॉक्टर साहब, इस पर जैसे कल को ये सील तोड़ लेता है, क्योंकि ये पहले भी दबंग डॉक्टर है, पहले भी तोड़ चुका है, तो क्या कार्रवाई? देखिए, पहले तो कार्रवाई हमारी तो ये रहेगी, पहले इसमें मुकदमा हम आज पंजीकृत कराएंगे आज ही, और उसके बाद जो है इस पर कार्रवाई ये भी चलेगी कि इन्होंने किस परमिशन से, किसकी परमिशन से सील तोड़ी।